Mataki. Sammanit Manch from Sardaya Sant Shri Sachidanand Ji Maharaj, Mananiya Adhyaksh Mahoday, Samne Viraje Hue Sajjano, Matrishakti, Yuva Dhadkano, Sanjog aur Samay jab saath deta hai to duniya ki koi taakat kisi ko rok nahi sakti. Sajjano, lagbhag aaj se 550 varsh pehle इस धरती पर बहुत सारी चीजों की कमी आने लगी थी. भगवान जांबोजी एक पुरुष के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए और इस धरती पर गहन चिंतन किया कि इस जो आज का समय चल रहा था उसमें जो कमियां चल रही थी उन सबको अपनी दृष्टि में रखते हुए और विष्णुई समाज की स्थापना की. सज्जनों, जो आज वैज्ञानिक युग में, इस कंप्यूटर युग में जो वैज्ञानिक लोग कहा करते हैं छोटी छोटी बातें, वो भगवान जांबोजी ने हमें 550 वर्ष पहले बता दी थी ताकि हम ठीक से सुधर करके और इस सृष्टि को बचा सकते हैं. सज्जनों, भगवान जांबोजी के द्वारा बताए हुए 29 नियम हमारे जीवन का एक रास्ता है. यदि हम ठीक समय पर और उस रास्ते पर चलते रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती. हम एक इतिहास, हमारा इतिहास उठा करके देखते हैं, जिस दिन भगवान जांबोजी ने हमें पहल पिला करके और जो अपना गंतव्य स्थान था वो छोड़ने की सबसे पहले चुनौती दी थी, कहा कि आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह नहीं रहेंगे, आप अपना जो जमीन जायदाद घर छोड़ करके और अन्यत्र जा करके रहना होगा. सज्जनों, हमने भगवान जांबोजी की दी हुई चुनौती को स्वीकार किया, उस घर को, उस जमीन जायदाद को, सुख संपदा सबको छोड़ करके और अन्यत्र गांव में जाकर के रहने लगे. सज्जनों, आज आप सब लोग हमारे उस क्षेत्र को जहां हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्मभूमि थी, उसको छोड़ करके आज सुदूर क्षेत्र में आकर के बैठे हैं. मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कभी हौसला हारने की आवश्यकता नहीं है. हमारे पूर्वजों ने भगवान जांबोजी के कहने पर घर बार छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, तो आज हम अपने स्वार्थ के कारण घर बार छोड़ करके आए हैं. हारने और हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय हमारा साथ देगा सज्जनों. लेकिन उसके साथ में मैंने एक छोटी सी बात क्या करके बात पूरी करूंगा. हमारे यहाँ एक संत हुए थे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, बड़े होनार संत थे. उन्होंने अपने जीवन की इतनी परीक्षा की थी और एक एक बात को अपने जीवन में उतारा था. सज्जनों, संयोग से वो एक बार जापान की यात्रा में गए थे. जापान का एक सिस्टम है, अपने यहाँ जैसा सिस्टम है वहां, वहां का अलग सिस्टम है. वो रेल में यात्रा कर रहे थे और उनको बड़ी भूख लगी थी. अगला स्टेशन आता है, स्वामी रामतीर्थ स्टेशन की ओर देखते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है. अगला दूसरा स्टेशन आता है, वो और देखते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है. स्वामी रामतीर्थ जिस ट्रेन की सीट पर बैठे थे उसके पास में एक नौजवान जापान का बालक बैठा था. उस बालक ने महाराज जी की ओर देख करके कहा कि महाराज, आप तिलमिला क्यों रहे हैं, आप किस कारण इस बार बार स्टेशन पर देखते हैं. कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ नाराजगी की स्थिति में उस बालक को कहते हैं कि कैसा देश है, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है स्टेशन पर. सज्जनों, उस बालक के मन में बात बैठ गई. अगला स्टेशन आता है और बालक स्टेशन से उतर करके पास की कैंटीन थी वहां से फल फ्रूट लेकर के आता है और स्वामी रामतीर्थ महाराज को ला करके देता है. महाराज जी उस बालक की ओर देख करके कहता है कि नौजवान बालक, इस स्टेशन पर कहीं दिखते नहीं है, आप फल फ्रूट कहाँ से लेकर के आए हो. वो बालक कहता है कि महाराज, हमारे देश की एक व्यवस्था है कि स्टेशन पर किसी भी प्रकार का कचरा न हो, हमारा स्टेशन साफ रहे, इसलिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था है, मैं वहां से आपके लिए फल और फ्रूट लेकर के आया हूँ, अब आप आराम से नाश्ता कीजिए. कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ महाराज अपनी जेब में हाथ डालते हैं, एक सिक्का निकाल करके उस बालक को देना चाहते हैं कि बोल बेटा, तू जो फल फ्रूट लाया उसका कितने पैसे हुए. कहते हैं कि वो बालक पैसे लेने से मना कर देता है. स्वामी रामतीर्थ महाराज को कहता है कि नहीं महाराज, आप भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक संत है, आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा. लेकिन महाराज कहते हैं कि यदि आपने पैसे नहीं लिए तो मैं इन फलों का आहार नहीं करूंगा. ये बात सुनकर के बालक के मन में भी बड़ी
चिंता होने लगी कि पैसे नहीं लूंगा तो महाराज आहार नहीं करेंगे, और पैसे लूंगा तो महाराज क्या सोचेंगे कि जापान के लोग पैसों के लिए तरसते हैं। लेकिन उस बालक ने एक तीसरा रास्ता निकाला, वो बड़ा रास्ता हमारे लिए सोचने का विषय है। उस बालक ने महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगता हूँ, वो चीज दीजिए। एक बार महाराज भी चिंता में पड़ गए कि नौजवान बालक पता नहीं क्या मांगेगा। आखिर वो संत थे, उन्होंने कहा कि आप मांगिए, मैं आपको दूंगा। सज्जनों, उस बालक ने बड़े गर्व के साथ कहा कि महाराज आप अपने देश में जाकर के ये मत कहना कि जापान देश के अंदर खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, स्टेशनों पर कुछ मिलता नहीं है, इस प्रकार की बात आप अपने देश में जाकर के मत कहना, बस मेरे लिए सारे पैसे आ चुके हैं। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ हैदराबाद में रहने वाले लोग, अपने इस दक्षिण भारत में रहने वाले लोग अपने कारण कल ये अंगुली उठा करके नहीं कहे कि विष्णु समाज के लोग ऐसे थे। हमेशा हमारी अच्छी सोच बने और हमें हमेशा याद करें, इस प्रकार की सोच लेकर के आप इस क्षेत्र में रहे ताकि लोगों के बीच में आप गरीब लोगों के मसीहा बन करके जिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और यहाँ की आने वाली पीढ़ी हमें हमेशा लिए अपने लिए तरसती रहे, इस प्रकार का विचार लेकर के। और हम सब अपना काम करें, भगवान हमको शक्ति देगा, भक्ति देगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विष्णु युवा संगठन ने हम सबको राजस्थान से बुला करके इतना मान सम्मान दिया। अभी हमारे बीच में बंधुवर कह रहे थे कि आपका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन सज्जनों मैं कहता हूं कि यदि हम दो जन्म लेकर के भी सोचेंगे तो आपने जो बुला करके हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है वो ऋण नहीं उतार पाएंगे। इसलिए आप हम सबके बीच में हमेशा हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे और हमें बुलाते रहे, हम आपके हर कार्यक्रम में उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। भारत माता की।